Hello everyone, today in this video we will do worksheet of class 3 EVS chapter number 18 games we play. Question number 1, select the correct option. First one, Nandita did not know how to play dash. Nandita ko kya khelna pata nahi tha? Option A, gilli danda, B, marker, C, hopscotch and D, marbles. Answer is C, hopscotch. Second one, a dash is used to play hopscotch. हॉपस्कॉच खेलने के लिए क्या यूज़ होता है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी मार्कर, सी गिल्ली एंड डी मार्बल्स. आंसर इज बी मार्कर. थर्ड वन, देर काका अंकल वॉज फॉन्ड ऑफ डैश. अंकल को क्या पसंद था? ऑप्शन ए फ्लाइंग काइट्स, बी प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉचिंग अ फुटबॉल मैच एंड डी प्लेइंग चेस. आंसर इज ए फ्लाइंग काइट्स. नेक्स्ट वन, विच गेम वर फोय एंड अंकल प्लेइंग. अंकल और फोय कौन सा गेम खेल रहे थे? ऑप्शन ए लूडो, बी कैरम, सी चेस एंड डी हाउस हाउस. आंसर इज सी चेस. नेक्स्ट वन, द गेम्स विच आर प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड आर नोन एज डैश. जो गेम्स ओपन ग्राउंड के ऊपर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडोर गेम्स, बी आउटडोर गेम्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज. आंसर इज बी आउटडोर गेम्स. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, डैश वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम ऑफ हॉपस्कॉच प्रॉपरली. हॉपस्कॉच कौन अच्छे से खेल नहीं पा रहा था? नंदिता. सेकेंड वन, डैश इज एन इंडोर गेम. आंसर इज लूडो. लूडो इज एन इंडोर गेम. नेक्स्ट वन, इन कैरम मैक्सिमम डैश प्लेयर्स कैन प्ले. कैरम में मैक्सिमम कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं? 4 प्लेयर्स. नेक्स्ट वन, रजत वॉन्टेड टू प्ले विथ अ डैश. रजत किसके साथ खेलना चाहता था? डॉल के साथ. नेक्स्ट वन, फुटबॉल इज एन डैश गेम. फुटबॉल कैसा गेम है? ये एक आउटडोर गेम है. नेक्स्ट वन, चेस इज प्लेड बिटवीन डैश प्लेयर्स. चेस कितने प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है या चेस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 प्लेयर्स. नेक्स्ट वन, डैश इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी. हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन, गेम्स कीप अस फिजिकली एंड मेंटली डैश. गेम्स हमें फिजिकली और मेंटली कैसा रखते हैं? हेल्दी रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, गिल्ली डंडा, इसको हम मैच करेंगे सी के साथ. सी ट्रेडिशनल इंडियन गेम. सेकेंड वन, फुटबॉल, आई विल मैच इट विथ ई. नीड्स अ बिग फील्ड टू प्ले. थर्ड वन, हॉपस्कॉच, मैच इट विथ बी. हैज़ अ कोर्ट विथ 8 बॉक्सेस. फोर्थ वन, हॉकी, मैच इट विथ ए. स्टिक्स आर यूज टू हिट अ बॉल. एंड लास्ट वन, 7 टाइल्स, मैच इट विथ डी. यूजेस अ बॉल टू हिट स्टोन्स. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द गेम प्लेड बाय दीज प्लेयर्स. स्टूडेंट्स, हियर नेम्स ऑफ सम प्लेयर्स आर गिवन. यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नेम्स आपको दिए हैं और वो प्लेयर्स कौन सा गेम खेलते हैं वो आपको इस ब्रैकेट में से फाइंड आउट करके लिखना है. फर्स्ट वन, सानिया मिर्ज़ा. सानिया मिर्ज़ा कौन सा गेम खेलती है? शी प्लेस टेनिस. सेकंड वन, सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर प्लेस क्रिकेट. थर्ड वन, पीवी सिंधु. पीवी सिंधु खेलती है बैडमिंटन. नेक्स्ट प्लेयर इज़ प्रदीप नरवाल. ही प्लेस कबड्डी. नेक्स्ट वन इज सुनील छेत्री. He plays football. And last one is Vijender Singh. He is a boxer and he plays boxing. Next question is write true or false. First one, the games which are played outside house are known as outdoor games. जो game घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें outdoor games कहते हैं. This is true. Next one, गिली डंडा and seven tiles are traditional games. गिली डंडा और सेवन स्टाइल्स जो है वो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वन, द गेम ऑफ हॉकी शुड ऑलवेज बी प्लेड इनडोर. हॉकी का जो गेम है वो हमें इनडोर यानी कि घर के अंदर खेलना चाहिए. नो, दिस इज फॉल्स. द गेम ऑफ हॉकी इज ऑलवेज प्लेड ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट वन, द गेम ऑफ रेसलिंग रिक्वायर्स अ कोर्ट टू प्ले. दिस इज ट्रू. एंड लास्ट वन इज द गेम ऑफ टेनिस रिक्वायर्स अ डाइस. टेनिस खेलने के लिए हमें डाइस की ज़रूरत पड़ती है. नो, दिस इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस.
फर्स्ट वन, वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हेन प्लेइंग हॉपस्कॉच? जब आप हॉपस्कॉच खेलते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। हमें सबसे पहले मार्कर को फर्स्ट बॉक्स में फेंकना होता है। सेकंड वन, नेम द गेम्स काका प्लेड इन हिज चाइल्डहुड। काका मीन्स अंकल उनके चाइल्डहुड में कौन से गेम्स खेलते थे? कबड्डी, मार्बल्स, फ्लाइंग काइट्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग एटसेट्रा। विच गेम्स डिड काकी प्ले इन हर चाइल्डहुड? काकी अपने बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलती थी? काकी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, कबड्डी, सेवन टाइल्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट वन, नेम फाइव इंडोर गेम्स। फाइव इंडोर गेम्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट चेस, लूडो, कैरम, स्नैक्स एंड लेडर्स एंड वीडियो गेम्स। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से इसे प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फाइव आउटडोर गेम्स। फाइव आउटडोर गेम्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो हियर आई विल राइट क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन एंड हॉकी। आप यहाँ पर कोई भी फाइव आउटडोर गेम्स के नेम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स किसे कहते हैं? गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जो गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स किसे कहते हैं? द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम्स घर के बाहर ग्राउंड के ऊपर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, नेम द गेम्स प्लेड इन ओल्डन डेज। पुराने ज़माने में खेले जाने वाले गेम्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, हॉप स्कॉच, सेवन टाइल्स एंड मार्बल्स। लास्ट वन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स? हमारी लाइफ में गेम्स का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट इज़ गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स। गेम्स खेलने से हम रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड इज़ इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर माइंड एंड बॉडी। एंड थर्ड वन इज़ इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। गेम्स हमारी माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये हमें फ्रेश रखते हैं और एक्टिव रखते हैं।